तो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो होने वाले हैं कि हम एयर ट्रेनिंग को कैसे इम्प्रूव करें। एंड आपको हमेशा से पता है कि मैं आपके कमेंट के बेस पे ही वीडियो लेके आता हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं कि हम एयर ट्रेनिंग कैसे मजबूत करें अपनी, कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट करें। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे, उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं कि एयर ट्रेनिंग होती क्या है। एयर ट्रेनिंग की मदद से हम बहुत सारे काम कर लेते हैं, जैसे कि हम सारे काम पादानी सा बजाते हैं, या हम मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे एयर ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है जो कि हम लीड पार्ट निकालते हैं। जैसे कि मैं रैंडमली कोई सा भी गाना प्ले करता हूँ, मैंने करा ये, ये क्या है, ये है गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, ये क्या है, हमारी एयर ट्रेनिंग है ये। अब मैं बोलता हूं आपसे, मुझे रैंडमली कोई सा भी गाना निकाल के दिखाओ। जब तक आपकी एयर ट्रेनिंग मजबूत नहीं होगी ना, जब तक आप मेरे भाई कोई सा भी गाना फाइंड ही नहीं कर पाओगे। एयर ट्रेनिंग कैसे होती है, उसको कैसे मजबूत करें, मैंने किस तरीके से करी, मैंने इस तरीके से करी कि मैं ना, जैसे मैं कोई भी गाना ढूंढ रहा हूँ रैंडमली, मुझे यही ढूंढना गुलाबी आंखें। अब मुझे क्या करना है, मैं उस गाने को 10 बार सुनूंगा पहले। बहुत सारे लोग करते हैं कि एक बार गाना सुना और फिर दूसरी बार में निकालने बैठ गए, ऐसे नहीं होता। कम से कम 50 बार सुनो एक गाने को, उसका सुर कितना ऊपर गया है, एंड उसके साथ सिंग करो, उसके साथ सिंगिंग करो। जैसे भी गाना चल रहा है आपके फ़ोन में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, टीवी में, किसी में भी चल रहा है, तो उसके साथ आप सिंगिंग करो। मतलब कि उसमें देखो कि कितना ऊंचा सुर लगाया है। अब मैं गाने के साथ गाता हूँ, गुलाबी आँखें, तो इस तरीके से उसके साथ गाओ, एंड उसमें देखो कि उसने किस तरीके से सुर ऊपर कर दिया। अब यहाँ पे ये देखो, ये लो के पास से उठ रहा है वाला गाना गुलाबी, अब जो है आंखें वो हाई चला गया। अब मैं इसमें गलत नोट लगा दूंगा ना, तो आपको एकदम से पता चल जाएगी कि सर ये गलत नोट लगाया। अब मैं गुलाबी आंखें गलत बजाता हूँ, ठीक है, जैसे कि गुलाबी, आप क्या हो गए, क्या बजा रहे हो, मुझे पता है ये होती है हमारी एयर ट्रेनिंग। जब तक आप गाने को नहीं सुनोगे ना, जब तक कुछ नहीं होगा। एयर ट्रेनिंग मजबूत कैसे होगी, बस एक ही है इसका फंडा, ये आती है हमारे लॉन्ग टर्म में आएगी आपके। अगर आप सोच रहे हो कि 2 दिन का खेल है या कोई मैंने खटका दबा दिया और एयर ट्रेनिंग हो गई, नहीं, इसका कोई वो नहीं है। आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें सालों सालों लग जाते हैं। आप क्वेश्चन तो कर देते हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस क्वेश्चन पे वीडियो बना दी सर ने, तो उस पर मुझे प्रैक्टिस भी करनी है। आपने वीडियो देखी फिर अगला देखोगे कोई लेसन, वीडियो देखी फिर अगला देखोगे, फिर उसकी वीडियो के नीचे कमेंट कर दोगे। अगर आपने कमेंट करा है तो उस पर सीरियसली सीखी है। अब हमारे सारे गाम आए, सारे गामों पे प्रैक्टिस करो, बहुत इफेक्टिव होता हमारा सारे गामा पादनी सा। रैंडमली मैं कौन सा प्ले करता हूँ, मैं ए का प्ले करता हूँ, सारे गा। अब जो हमारा है सारे गा, अब जो गा है, अब इसकी साउंड अपने दिमाग में बिठाओ और इसको बार बार रिपीट करो, गा 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 गा। अब सा की साउंड कैसी थी, अब नहीं निकाल पाओगे, सा आ, आ, ऐसे करोगे आप। अब गा की साउंड कैसी थी, गा की साउंड माइंड में बिठाओ कि यहाँ पे गा यहाँ पे है, सा यहाँ पे है, मा यहाँ पे है, पा यहाँ पे है, बस उसको देखते ही प्ले कर दो। मतलब कि मैं अपने माइंड की वो दिखा रहा हूँ, मैं आपको इमेजिनेशन, ठीक है। अब मैंने करा सा सा रे गा, अब गा के साउंड को बहुत ही अच्छे से सुनो और अपने माइंड में बिठाओ कि यहाँ पे गा कैसे साउंड कर रहा है, और हमारा रे कैसे साउंड कर रहा है, और हमारा सा कैसे साउंड कर रहा है। अब सा की साउंड कैसी है, नीचे है सा, अब रे की साउंड कैसी है, हल्की सी ऊपर है, बिल्कुल हल्की सी रे। अब गा की साउंड कैसी है, गा की भी एक स्टेप आ गया गा गा। अब माँ की साउंड कैसी है, माँ। अब जो गा और माँ है उसमें क्या डिफरेंस है, खाली उसमें हाफ नोट का डिफरेंस है, सा मा गा मा गा मा, इसे एयर ट्रेनिंग कहते हैं। अब मैं कहूंगा आपसे रे की साउंड प्ले करके दिखाओ, मतलब कि रे बोलो फिर प्ले करो, रे तारे, इस तरीके से। अब मैं कहूंगा मा प्ले करो रे के बाद, आपके माइंड से ही भग जाएगा। तो इन पे प्रैक्टिस करो एयर ट्रेनिंग अगर आपको मजबूत करनी है। मोस्ट एयर ट्रेनिंग हमारे किस में मोस्टली यूज होती है, एंड लोग इसके पीछे क्यों पागल है, जब भी हम लीड निकालते हैं
इसमें हमारे काम आते हैं लीड पार्ट में। अब मैं रैंडमली कोई सा भी गाना प्ले करता हूँ और मुझे उसमें एयर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गाना जैसा मैंने सुना है वैसे मैं प्ले नहीं कर सकता आपकी नज़रों में। मतलब कि अगर मैं बिगनर हूँ, जैसे मैंने गाना सुना है उस तरीके से मैं प्ले नहीं कर सकता, तो उसमें पड़ते हैं मैं एयर ट्रेनिंग की ज़रूरत। मैंने गाना सुना और मुझे अच्छे से सुना है मैंने उसको, मेरी एयर ट्रेनिंग बहुत मजबूत है, गाने को बहुत मैं अच्छे से सुनता हूँ। इन्जॉयमेंट के लिए नहीं सुनता, पहली बात इन्जॉयमेंट के लिए हाँ या 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 ये होता है हमारा इन्जॉयमेंट। उसको डेप्थ जाओ उसके गाने की, उन्होंने सुर कैसे नीचे करा है कैसे ऊपर करा है। अब मेरा एक गाना है, बातें कुछ अनकही सी, कुछ अनसुनी सी होने लगी। ये मैंने कैसे निकाला, मुझे एयर ट्रेनिंग है, मैंने अच्छे से उस गाने को सुना है, मैंने अपने कान मजबूत कर लिए कि हाँ भाई उसने गाना कैसे नीचे करा है कैसे ऊपर करा है, इस पर मैं वर्क करता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसमें और कुछ नहीं है एयर ट्रेनिंग में, खाली आपको लॉन्ग टर्म चाहिए इसमें, एंड गाने को डीपली सुनो, इंजॉयमेंट के लिए मत सुनो बस। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर लेना ताकि मेरे वीडियो आपको मिलता रहे। बस आज के वीडियो में इतना, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।